प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप लोगों का अभी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह जो प्रश्न आपको हम बताएंगे, सभी प्रश्न डायरेक्ट यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आए हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और पूरा प्रश्न हल कर लेते हैं या पूरा प्रश्न याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 70 में कम से कम 65 नंबर आसानी से मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको हल करने के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे खंड अ शुरू होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न का, जो कि कुल 20 अंक का प्रश्न होता है। इसमें 20 प्रश्न कुल होंगे, एक प्रश्न एक अंक का होगा। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से। अगला है, ड्यूक मेटर्निक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जुसेपी मेसिनी को। तीसरा प्रश्न है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड आर्कलाइट ने। अगला है, चौथा प्रश्न, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका क्या कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ, कीमतों का गिरना। पाँचवा प्रश्न है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल। छठा प्रश्न है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक बनावट। अगर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। नौवां प्रश्न है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाए। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक सिंचाई। बारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, का देखिए यहाँ पे जाएगा तीसरा पे, सतलुज नदी पे। हीराकुंड जो आपका है, हीराकुंड महानदी में है। सरदार सरोवर जो है आपका वो नर्मदा में है। टिहरी जो है आपका वो भागीरथी है। ऐसे कुछ मिलान होगा तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? क, मछली पकड़ना, ख, कृषि, सी, गुड़ बनाना, डी, घ, डेयरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स, क, ख एवं घ। पहला मछली बनाना है और ये है, और ये गुड़ बनाना नहीं है। तो यहाँ से तीनों आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथवां प्रश्न है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। पंद्रहवां प्रश्न है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, भूमि का अनुपजाऊ होना। सोलहवां प्रश्न है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य जाति। सत्रहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? देखिए नहीं यहाँ पे आया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अठारहवां प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीणों मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक मजदूरी देना। उन्नीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। बीसवां प्रश्न है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर अ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। तो बच्चों आपके देखिए 20 प्रश्न टोटल बहुविकल्पी के थे, वो भी पूरे पूरे 20 नंबर के थे। हमने देखिए आपका 20 नंबर यहाँ से फिक्स कर दिया। अब आपका आता है खंड ब। खंड ब में जितने भी प्रश्न आपको हम बताएंगे वो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अगर उसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का आसानी से नंबर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए शुरू हो गया खंड ब, जो कि कुल 50 अंक का यहाँ से प्रश्न होने वाला है। देखिए क्या दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है, यानी कि 80 शब्दों में आपको इन सबका उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला प्रश्न क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महाबंदी के दो कारण लिखिए। यहाँ पे देखिए एक कारण का दो नंबर, दो कारण लिखेंगे तो आपको यहाँ टोटल
चार नंबर मिल जाएंगे। या तो आपको ये प्रश्न करना है या तो अथवा करके नीचे दिया गया है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों की व्याख्या कीजिए। या तो आपको ये करना है, आप ये प्रश्न या तो कर लें, या तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। आपको दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल चार नंबर मिल जाएंगे एक प्रश्न से। अब उसके बाद देखिए आपका आगे प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। यह भी आपका चार नंबर का प्रश्न है, इसमें भी अथवा करके दिया गया है। वर्तमान परिक्षेत्र में जाति राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा करके दिया गया है, आप ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। ऐसे तीसरा भी है, चौथा भी है, इन सभी का प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये सब प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो 99% गारंटी है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जरूर लड़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए उसके बाद आता है वर्णनात्मक 2, लगभग 150 शब्द में दीजिए, जो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्द में देना है, यानी कि कम से कम आपको दो पेज लिखना पड़ेगा। ये सब प्रश्न देखिए 6-6 नंबर के यहाँ से होंगे, इसमें भी अथवा करके प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको हम बता देते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। इसको जब आप लिखेंगे पूरा तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है तो अथवा करके नीचे दिया गया है, इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, सत्याग्रह वाला। इसमें भी देखिए प्रश्न दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एंड इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न सभी खत्म हो चुके हैं, अब आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। मानचित्र आपका आता है, देखिए आपको चिन्ह ऐसे भरना है और सब आपके आधा आधा नंबर का यहाँ से दिया गया है प्रश्न, टोटल एक नंबर का हो जाएगा। क्या क्या दिया गया है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था आप सबको पता होना चाहिए। एंड आप मानचित्र भरना वीडियो देख करके सीख सकते हैं, मानचित्र आएगा आपको जगह का नाम पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको ऐसे बूंदी ऐसे कर देना है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न बता दिया, ऐसा चिन्ह आपको मैप में भरना है, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वैसा चिन्ह आप यहाँ लगा देंगे, आपको एक नंबर आसानी से यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुल लगभग देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों प्रश्न आपके यहाँ से 5 नंबर के होने वाले हैं। अगर आप मानचित्र में भर लेते हैं तो मानचित्र से आपका 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। नीचे जो दिया गया है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए दिया जाएगा है, जिनके पास आँखें नहीं है उनके लिए ये सब प्रश्न दिया गया है। सो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ जानकारी आपको बढ़िया लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे हम बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।